हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, तो इस साल आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स बोर्ड एग्ज़ाम। ये मैं सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इवन सीबीएसई बोर्ड्स वाले बच्चे भी इसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद भी मैं पढ़ के ही आया हूँ, तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया था सन 2010 में, मैंने ट्वेल्थ अपनी पास की थी 2010 के बाद। ये 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम, 13 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मैंने खुद पढ़ाई की है, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये 14 साल हो चुके हैं इस फील्ड में मुझे, तो मुझे इसकी अच्छी नॉलेज है। पढ़ के भी आया हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ और इतने सालों से पेपर्स को देख रहा हूँ, तो जो चीज़ मैंने एनालाइज़ की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कई बच्चे बोलते हैं, सर बोर्ड एग्ज़ाम का हम देने वाले हैं तो हमारा जो पेपर है क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का, वो कहाँ से आएगा, किस बुक से आएगा। एंड सर, हमारे पैटर्न में ना थोड़ा बदला हुआ है, इस साल हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। कई सारे बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस साल ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ बिहार बोर्ड की, तो वो उनमें तो पहले से ही ज़्यादा आते हैं, 50-50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, है ना। अब आप वो तो कर रहे हैं, अब आप भी करोगे वो, ठीक है। तो पहला बात मेरी ये सुनो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे कभी इसको लेके घबराना नहीं होता है, इसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। अगर आप चैप्टर ढंग से पढ़ रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, ठीक है, समझ के आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो मेरा दावा है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, चाहे वो कहीं से भी क्या दे दे, ठीक है। आपके सिलेबस से ही देगा, आपने जो आपके बुक में जो चैप्टर हैं, जो सिलेबस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसी से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा है तो कभी अटकेगा नहीं, ठीक है। इसकी भी बात करूँगा, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और उसके बाद बात आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, है ना, जिसमें सॉल्व करके आपको बताना, सॉल्व तो उसमें भी करना, लेकिन उसमें टिक मारना, चार ऑप्शन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना, एमसीक्यू में। सब्जेक्टिव की बात करूँगा तो सबसे रामबाण बुक जो है, देखो ये मैंने देखा है ना, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करूँ, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं, डायरेक्ट, कोई बदलाव नहीं किया जाता है, बिल्कुल बदलाव नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करना है, एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा बना दो, रट दो उसको, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बिना चेंजेस के उठा के रख दिया जाता है आपके पेपर में। तो पहली चीज़ तो वो करनी है। आप कहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करें सर, तो उसके लिए भी मैं बता दूँ, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज उठा कर रख दिया जाता है। 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके एनसीईआरटी बुक से जैसे का तैसा उठा कर रख दिया जाता है, कोई बदलाव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सबसे मस्त किताब जो है जिससे पेपर बनता है वो आपकी एनसीईआरटी है, चाहे ये हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा हो या सीबीएसई बोर्ड का देख रहा हो, सभी स्टेट बोर्ड, यूपी, बिहार, जितने भी हैं, उत्तराखंड बोर्ड, सबसे मेन बुक जो है वो आपकी एनसीईआरटी है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, इसके उदाहरण हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रश्नावली। देखो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, क्लास ट्वेल्थ में मैंने देखा है ना, बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस प्रश्नावली एक्सरसाइज की करते हैं, लेकिन वो उदाहरण नहीं करते। आप उदाहरण खुद खोल के देखो यार, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, प्रश्नावली से भी थोड़े हटके हैं, इम्पॉर्टेंट है, थोड़े टफ भी हैं, और वैसे वो उदाहरण बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं ट्वेल्थ वाले एग्जाम में। तो आप उदाहरण ज़रूर प्रैक्टिस करना, प्रश्नावली तो कर ही रहे हो, ये भी करना है, ठीक है, उदाहरण पर ज़्यादा जोर लगाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन बाहर से आया था, बाहर से नहीं आता कभी भी, आपने वो क्वेश्चन बनाए नहीं थे तो आपको लग रहा है कि वो बाहर से है, वो आपके एनसीईआरटी बुक का ही था, लेकिन वो उदाहरण था, ठीक है। तो मेन चीज़ है आपको पहले एनसीईआरटी अच्छे से बनानी है, और उसके बाद प्लस बाकी बात रही 20% की, तो वो भी आपके सिलेबस का ही होता है, एनसीईआरटी का होता है, उसमें थोड़ा आपका दिमाग लगाना होता है, और वो चीज़ की प्रैक्टिस के लिए आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाने होंगे, कम से कम 5 साल के, हो सके 10 साल बनाओ, बढ़िया होगा, जितना ज़्यादा बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। 5 साल तो अगर नहीं करने, विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के बनाना शुरू करो, ठीक है, वहाँ से ये 20% कवर हो जाएगा, जो हल्के फुल्के हटके उठ के जो क्वेश्चन आ रखे होंगे ना, उससे वहाँ आपको मिल जाएगा, है।
हेल्प कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन पेपर बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अरे ये चैप्टर है ऐसा क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है ऐसा होगा, ये है। इतने सालों से जो पूछा जा रहा है बेटा, तुम्हारे में भी वही पूछा जाएगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो NCERT और ये विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, दो चीज़ हो गई। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की। कई सारे बोर्ड्स में इस साल 20-20 MCQs आएंगे, जैसे UP बोर्ड में आएगा, उत्तराखंड बोर्ड में आएगा, बाकी बोर्ड्स में भी MCQs आएंगे। तो उसकी अलग से तैयारी करवाने के लिए मैं ढूंढ ढूंढ के क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव सीरीज एक अलग से बना रहा हूँ। कम से कम 20-20 हर चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, छाट छाट के, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो उसकी मैं अलग से तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और क्लास 12th NCERT तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, उसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये छोटा रखता हूँ इस वीडियो को, बस इतनी तैयारी कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा नंबर लाने से, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, और कोई मार्केट में जाके दूसरी किताब नहीं खरीदनी है, इतनी तैयारी करो बहुत है। और एंड में ना मॉडल पेपर कर लेना दो तीन, ठीक है। इससे क्या होगा ना बच्चा, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट पता लगेगा। मॉडल पेपर 3 सॉल्व करना खुद से, आपको पता लगेगा तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कितना समय लग रहा है, कितने किस सेक्शन में कितना समय लग रहा है, तुमसे 3 घंटे में सारा पेपर हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये भी पता लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा कि कितना टाइम मुझे लग रहा है, मुझे कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये ज़रूर पता लगेगा। तो लास्ट ये प्रैक्टिस के लिए है, ये ज़रूर करना, ठीक है। मॉक टेस्ट जो होता है ना, जो तैयारी करते हैं एग्जाम की, मॉक टेस्ट देते हैं, ये तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर सीरियस होके देना है, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, सारे स्टडी मटेरियल कोट मैथमेटिक्स एनालिसिस.in पर मिल जाएंगे।